ठीक है, हाँ ना, चलती हूँ आपके साथ, चेंज करके फिर बात करते हैं। ओके। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम, और किससे बात हो रही थी कॉल पे? तैमूर से बात हो रही थी और हम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं। हाउ स्वीट। अगर तुम दोनों की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई तो अब मैं जाऊँ? जाइए ना, प्लीज जाइए, हैव फन। तुम क्या सोच रही हो अब? यार मैं ये सोच रही हूँ कि जैन भाई और इशाल की भी तो बात होनी चाहिए ना। हाँ बात तो होनी चाहिए, बट वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। ये तो गलत है बॉस, क्या करें, दोनों एक दूसरे की तरह बोरिंग है, रहने दो। इसी बात पे दोनों की बात करवाते हैं, क्या कहती हो? फौरन चलो। अच्छा। जरा मैडम को बताओ तो सही कि कहाँ जा रही है अभी? हाँ अभीहा जा रही है तैमूर भाई तक शॉपिंग करने। राइट। हाँ तो बताया था अभीहा ने। तो ये कि आपको भी जाना चाहिए शॉपिंग में जैन भाई के साथ। यार मैं खुद कैसे कह सकती हूँ उनको? हाँ ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, तुम खुद कैसे बोलोगी? आयजा तुम कॉल करो। राइट। नहीं कोई बात करने की जरूरत नहीं, प्लीज चुप करो तुम। आयजा कॉल करो। पागल हो गई हो क्या? नहीं बात करने का मतलब, यही तो वक्त है समझो तुम, बात करो, आज जाओ, उठो बैठो, तभी तो एक दूसरे का पता चलेगा। लगेगा नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग सुनाएं। मैं एक सेकंड, आप हम सबका पूछ रहे हैं या खाली इशाल का? नहीं मैं तो सबका ही पूछ रहा हूँ। अब भाई मैं और नायाब तो बिल्कुल ठीक है, और इशाल का, इशाल से क्यों नहीं पूछ लेते? ये लें। हेलो कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ आज। क्यों, ज्यादा काम कर लिया आपने? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस आधा दिन तो ऑफिस में बिजी था, फिर आपके लिए शॉपिंग करने के लिए चले गए। आपको पता है मॉम ने आपके लिए बहुत से ड्रेसेस लिए। अच्छा शॉपिंग कंप्लीट हो गई है? जी जी ठीक है। क्या कहा? आंटी ने ड्रेसेस ले लिए हैं, अब काम कर लूं मैं। दरअसल जब से अम्मा बीमार हुई है ना, मैं अकेली सी पड़ गई हूँ, उनको ज्यादा मैं तकलीफ देना नहीं चाहती, वरना उनके मशवरे, उनकी मदद, उससे मुझे ना बहुत सपोर्ट मिलती है। तो आंटी आप अम्मी से क्यों नहीं मशवरा कर लेती? हाँ ना, हमारे खानदान में जितनी भी शादियां होती हैं ना, हर कोई आके अम्मी से मशवरा करता है, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है इन कामों में। जी अम्मी, रजा बता रहे थे कि आंटी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। बिल्कुल, आपको कोई भी काम हो आप बिना झिझक मुझे बोल सकती हैं। नहीं नहीं मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहूंगी। सहमत कैसी, बेटियों की शादी में मदद करना तो सवाब का काम है, और फिर ये गैर थोड़ी है, मेरी अपनी बच्चियां। अच्छा शुक्रिया। आंटी तकल्लुफ कह रही हैं, आप ऐसा करें आप इनके कामों में मदद करना स्टार्ट कर दें, मैं निदा को कॉल करके कहता हूँ कि आज घर की जिम्मेदारी वो संभाले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू? अंकल मेरी वालदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं भाई साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ज़ेबा वो मेरी आज ऑफिस में स्टाफ के साथ मीटिंग है और उनको अगले हफ्ते की ब्रीफिंग भी देनी है, तो वो करके मैं फिर इंशाल्लाह आ जाऊँगा। तो अंकल आप इतना बर्डन क्यों ले रहे हैं, क्यों उतना परेशान हो रहे हैं? अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं आपके साथ ऑफिस आ जाता हूँ ना, दोनों मीटिंग्स भी अटेंड कर लूंगा और बाद में इमरान साहब के साथ कोऑर्डिनेट कर लूंगा, आप बस बेफिक्र होकर शादी की तैयारियां कीजिए। थैंक यू रजा, अगर तुम मेरा ये बर्डन बांट लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम्हें अपनी अम्मी को नहीं छोड़ना तो तुम मेरे साथ अभी ऑफिस चल सकते हो। हाँ चलते हैं। अम्मी आप आंटी के साथ शॉपिंग कर लीजिएगा, मैं जरा जरा अंकल के साथ ऑफिस होकर आता हूँ। ठीक है? बिल्कुल ठीक है बेटा। ओके टेक केयर। यस बाय। खुदा हाफिज़। आओ जा आइए।
चलें दादी ये लास्ट है। बस बेटा बहुत खा लिया। काफी लास्ट है ना। तबीयत नहीं जा रही बिल्कुल भी हमारी। और चलो ठीक है, अगर दादी का दिल नहीं कर रहा तो बाद में खा लेंगे, हाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। दवाई अभी दे दूं या फिर रुक जाऊं? 5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट दो। अच्छा ठीक है, अगर दादी थोड़ी देर बाद दवाई लेंगी तो ठीक है। नाना आपका हाथ दबा। ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਰ।